क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे क्या हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग किन लोगों को फायदा पहुंचा सकती है, क्लाउड कंप्यूटिंग से फायदा उठाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आजकल बहुत तेजी से ग्रो, जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो है स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें एक छोटी टीम फोकस तरीके से किसी एक चीज़ के ऊपर काम करती है और उसको डिलीवर करती है। उनको क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत फायदा है, क्लाउड कंप्यूटिंग की फीचर्स जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाती हैं। दूसरी ऐसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, एग्जिस्टिंग कॉरपोरेशन, एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटीज़ जिनके पास ऑलरेडी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो लोग ऑलरेडी अपनी बिजनेस एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वो लोग इन आईटी एप्लीकेशंस को और अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इकट्ठा या फिर स्टेजेस में क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर माइग्रेट कर सकते हैं। और इसमें उनको ओवर द लॉन्ग टर्म इस चीज़ ये करने का क्लाउड कंप्यूटिंग का फ़ायदा हो, क्लाउड कंप्यूटिंग के फ़ायदों से वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर हम लोग इस चीज़ को चलते हुए देखते हुए आगे क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स देखें तो उनमें जो पहली चीज़ है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। मतलब कि आप हर डॉलर जो स्पेंड कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर वो आपको इन रिटर्न जो फ़ायदा दे रहा है वो अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या हर चीज़ अपने पास स्क्रैच से बिल्ड करने से बहुत ज़्यादा है। आपको रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट बेहतर मिल रहा है, आपको जितना आप खर्च करना चाहते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम उतना ही खर्च कर रहे हैं। आपको ये नहीं देखना कि मुझे अगले 6 महीने में कितने कंप्यूटर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी या 1 साल के बाद कितने कंप्यूटर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। आज के दिन में जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना खर्च करें और सिर्फ उतना खरीदें, जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी आप उस तरह उसके ऊपर उतना स्पेंड कर सकते हैं। एक और एस्पेक्ट जो क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉस्ट के हिसाब से बहुत बेनिफिशियल है वो ये है कि ये एक मॉडल को फॉलो करता है जिसको पे एज यू गो कहते हैं। जितना यूज़ करें उतने पैसे दे दें और जो यूज़ नहीं कर रहे उसके पैसे आपको नहीं चार्ज होंगे। इसके बाद जो दूसरा बेनिफिट है जो कि बहुत ही क्रिटिकल है वो है स्केलेबिलिटी। आप एक एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, आप एक मोबाइल की ऐप बनाते हैं, कोई मोबाइल पे गेम बनाते हैं, वो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर होस्ट करवाते हैं, वो एक छोटी सी एप्लीकेशन है आपकी, एक छोटा सा स्टार्टअप है, वो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर होना शुरू हो जाता है। अब वो जिस तरह पॉपुलर होता है आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है आप उस हिसाब से रिसोर्सेज ऐड करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली आपकी उसी तरह से इनकम बढ़ेगी तो आप उन रिसोर्सेज के पैसे भी दे पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ मुमकिन है। अगर आप इन हाउस आईटी लेके चल रहे होते तो आप एक बहुत बड़ा सा सर्वर पहले दिन खरीद लेते जो कि आपकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा था, और किसी स्टेज के ऊपर जाके वो सर्वर भी कम पड़ जाता तो आपको फिर एक और सर्वर खरीदना पड़ जाता। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ आप ये जो स्केलेबिलिटी है ये बड़ी सीमलेसली कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी भी दो तरह की हो पाती है, एक है कि आप हॉरिजॉन्टली स्केल कर जाएं। इसका मतलब ये है कि आपने अभी जो रिसोर्स बनाया है, एक आपने एक वर्चुअल मशीन ली है जो कि एक मखसूस साइज़ की वर्चुअल मशीन है, उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रैम है, प्रोसेसर है, हार्ड ड्राइव है, उसका कोई नेटवर्क इंटरफेस है। आप उस मशीन का साइज़ बड़ा करने के बजाय उस तरह की एक और मशीन ऐड कर देते हैं, फिर वक्त आने पर एक और मशीन ऐड कर देते हैं, तो इसको आप हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी कहते हैं कि जिसमें आप अपवर्ड बिल्ड करते रहते हैं बजाय कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाने की कोशिश करें। दूसरी वर्टिकल स्केलेबिलिटी है जिसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी मशीन वहीं रखें और उसका साइज़ बड़ा कर दें, उसमें रैम बढ़ा लें, उसमें प्रोसेसर्स की तादाद बढ़ा लें, हार्ड ड्राइव बढ़ा लें, नेटवर्क की स्पीड बेहतर कर लें, तो आपके पास स्केलेबिलिटी की भी ऑप्शन है। दूसरा, स्केलेबिलिटी को कुछ हद तक ऑटोमेट भी किया जा सकता है जिसको हम आगे चल के देखेंगे। तीसरा बेनिफिट ये है कि हमारे पास इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि हम लोग अपनी स्केलेबिलिटी के परस्पेक्टिव से अगर इलास्टिसिटी को देखें तो वो ये है कि हम लोग ज़रूरत पड़ने पे ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज ऐड कर सकते हैं और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो हम उन रिसोर्सेज को निकाल सकते हैं। इसमें और स्केलेबिलिटी में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि आप परमानेंटली एक साइज़ से दूसरे साइज़ पर जा रहे हैं, लेकिन इलास्टिसिटी आपको उस साइज़ को फ्लेक्सिबली उस साइज़ में फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कि आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। मतलब कि अगर आपकी एक एप्लीकेशन है उसमें दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है तो दिन में आप रिसोर्सेज ऐड करवा लें, रात में क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती तो रात में आप उस एप्लीकेशन के ऊपर से बहुत सारे रिसोर्सेज रिलीज़ कर दें, इस तरह से आपकी कॉस्ट काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी। अगला बेनिफिट ये है कि हमने शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी इंट्रोडक्शन में जिसको हम लोग आगे जाके देखेंगे, लेकिन उस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस जो चल रही होती हैं जिनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो लेकिन हमने इंस्टॉल नहीं की होती हैं, हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने इंस्टॉल की होती हैं,
तो उनको करंट रखना, उनको अपडेटेड रखना। जिस तरह एक एग्जांपल यहाँ पे ये हो सकती है कि रिलेशनल डेटा सर्विस है, उसके अंदर हम लोग एक डेटाबेस इंजन माई एस क्यू एल इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि अमेजोन वेब सर्विसेज ही मैनेज करेगा, हमें मैनेज नहीं करना। जब वो इसको मैनेज करेंगे तो वो जो भी वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं उसके जो सिक्योरिटी पैचेज आते हैं, जो अपडेट्स आते हैं, वो सब अप्लाई करना AWS का काम है। इसी तरह से जो एप्लीकेशंस उसके ऊपर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन हो रहे होते हैं, उनके पैचेस, उनकी अपग्रेड्स, उनके सॉफ्टवेयर्स, वो सब की उनकी करंट अपडेट्स, उनके ऊपर प्रोविजन होना, वो सब अमेज़न वेब सर्विसेज का काम है या क्लाउड सर्विस का काम है बेसिकली। इसके बाद अगला बेनिफिट ये है कि जो डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पे ये सारी सर्विसेज AWS होस्ट करता है, वो बहुत रिलायबल हैं। वो डेटा सेंटर्स सबसे हाईएस्ट ग्रेड के डेटा सेंटर्स हैं, उनकी अप टाइम, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन होस्ट होती है वो एप्लीकेशन या उसके अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के फेलियर के चांसेस बहुत कम है। वहाँ की एक्सेस, उन डेटा सेंटर्स की एक्सेस, उन डेटा सेंटर्स की हार्डवेयर रोटेशन की पॉलिसी, सब कुछ बहुत हाई लेवल, हाईली ग्रेडेड होता है। इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट किए जाते हैं, इसलिए चीज़ों के फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो रिलायबिलिटी अगेन एक क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बाद एक और बेनिफिट ये है कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज जैसी कंपनीज, इनके ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रीच है। हम लोग आगे जाके देखेंगे कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का करंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पर मौजूद है और वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर होने से एक फ़ायदा ये है कि अगर आप एक ऐसा स्टार्टअप है जो ऑस्ट्रेलिया में है और वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन बहुत पॉपुलर हो गई है और अब आप अमेरिका की मार्केट में जाना चाहते हैं, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया के डेटा सेंटर से अमेरिका के कस्टमर को सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका का कस्टमर जो है उसको शायद ऑस्ट्रेलिया के डेटा सेंटर से आपकी एप्लीकेशन एक्सेस करे तो उसको स्लो सर्विस मिले, तो आप अमेरिका के डेटा सेंटर में अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे भी होस्ट कर सकते हैं। तो इनकी इनका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ग्लोबली चीज़ों को डिलीवर करना, कस्टमर्स को रीच करना, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो क्लाउड कंप्यूटिंग से मिल गया है। और आखिर में सिक्योरिटी, अमेज़न वेब सर्विसेज जैसी ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर उनके पास बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। हर रोज़ हज़ारों लाखों के हिसाब से हैकर अटैक्स और मेलिशियस अटैक्स इंटरनेट के ऊपर किए जा रहे होते हैं। तो आप जब अमेज़न वेब सर्विसेज के ऊपर अपनी एप्लीकेशन लेके जाते हैं या अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाते हैं, तो जो उनकी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप इनहेरिट कर लेते हैं, उसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो आप चीज़ों को रिलेटिवली सिक्योर कर सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। उसके अलावा और भी बहुत सारे फिर सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं जो कि कस्टमर के ऊपर जिनकी लाइबिलिटी है कि वो उन चीज़ों को पूरा करे, तो वो आप उसके अलावा अपनी एडिशनल सिक्योरिटी भी उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब आगे जाके हम अमेज़न वेब सर्विसेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा डीप डाइव करना शुरू करेंगे और हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन भी होना शुरू होंगे। आपको मैं कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह भी दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।